जिले में संचालित अवैध ईंट भट्टों में गुरुवार को दूसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर चला। गुरुवार को सई प्रखंड के सैंदा गांव व सई में संचालित अवैध ईंट भट्टों को प्रशासन के द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सिसई प्रखंड में कानून व नियमों को ताक पर रखकर चदरा से बने चिमनी के द्वारा भट्टा का संचालन किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने आज तोड़ डाला। वहीं अवैध ईंट भट्टों से प्रशासन ने ईंट भी जब्त की। गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद के नेतृत्व में ईंट भट्टों में बुलडोजर चलाया गया। मौके पर SDO श्री आनंद ने कहा कि अभी ये अभियान पूरे जिले में चलेगा और जिले में संचालित सभी अनलिगत ईंट भट्टों को तोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ईंट भट्टा संचालकों के पास पर्यावरण प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है, इसके बावजूद वे नियमों को ताक पर रखकर भट्टे का संचालन कर रहे थे। वहीं सहायक खनन पदाधिकारी रामनाथ राय ने कहा कि उपायुक्त के आदेश के बाद जिले में संचालित अवैध ईंट भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर गुमला में बड़े पैमाने पर अवैध बालू का उत्खनन किया जा रहा है। विशेषकर गुमला के ससई, बसिया, कामडारा व पालकोट प्रखंड में बालू के अवैध उत्खनन का खेल जारी है। प्रतिदिन सैकड़ों हाईवा बिना किसी कागजात या फिर एक ही नंबर के वाहन के लिए बने कागजात का उपयोग कर बालू का तस्करी हो रहा है। आपको बताया गया पहले भी कि उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जितने भी जिले में अवैध रूप से ईंट भट्टे चल रहे हैं सब पे कार्रवाई की जा रही है, सबको बंद करना, सबको ध्वस्त करना। उसी के कारण में आज दूसरे दिन जैसे सही के छाटा क्षेत्र में यहाँ पे दो ईटा भट्टा संचालित अवैध रूप से उनको हमने गिराया और जो यहाँ के अवैध रूप से बने हुए थे उसको ध्वस्त किए हैं और आने वाले समय में लगातार ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिले में जितने भी इस तरह के लीगल भट्टे हैं सबको ध्वस्त किया जाए। अंचल में ये चलंत चिमनी चदरा का जो पाया गया जिसकी सूचना मिला था दो तीन दिन पहले, तो एक सही अंचल में ही एक सिसई में है और एक सैंदा में ये दोनों जमीनी को चलना नहीं है, इसलिए इसको आज ध्वस्त किया गया और इसके आगे पुनः अग्रेतर कार्रवाई होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।